बिस्मिल्लाह रहमान। ये इमाम यासिन के ऊपर जो वीडियो पहले बनाई थी वो इंग्लिश में थी, ये उर्दू में। बहरहाल ये 250 साल तारीख बाय बाय आयतुल्ला उज़्मा सैयद अली खामनाई, और हम इसके कंटेंट्स का मुताला करते हैं। सबसे पहले हमें नजर आता है कि अगर इमाम हसन ये माविया के साथ, अमीर माविया के साथ अमन मायदा ना करते तो करबला का वाकया ना होता। करबला का वाकया ना होता से मुराद ये है कि जंग होती इमाम हसन की अमीर माविया के साथ, और उसमें इमाम हसन को शिकस्त होती और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास और बहुत सारे जो लोग थे जिन्होंने करबला में बाद में शिरकत करनी थी वो मारे जाते। ये जो अमन मुआहदा हुआ है इसके मतलब बहुत सारे लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया है इमाम हसन को। अब बात जो समझने की वो ये है कि बतदरीज जो थी खिलाफत मलुकियत में तब्दील होने शुरू हो गई। खिलाफत में कुछ असूल जो थे उनका की पासदारी की जाती थी। मलुकियत में जो बादशाह या अमीर वक्त था या अमीर बन जाता था मोमिनीन का, वो अपनी मर्जी की मनमानी करता था, लिबास और लिबादा ओढ़ लेता था इस्लाम का, मगर करता वो ही था जो उसका दिल करता था। तो इस सिलसिले में आयतुल्ला खमनाई ने ये मेंशन किया है, ये जिक्र किया कि अमार यासर जो थे वो काफी उनका मौसर किरदार था। अमीर मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब के जमाने में जब जंगे सफीन हुई तो कई लोग कंफ्यूज थे, कई लोगों को शक था कि भई ये जंग दुरुस्त है कि नहीं, ये खाना जंगी नहीं होनी चाहिए। तो अमार यासर उनको समझाते थे कि जब जंगे बदर हुई तो उस वक्त भी दो ग्रोह थे, एक वो था जो हिजबुल्ला था जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दूसरे कुफार का ग्रोह था। उस ग्रोह में बनू मैया के बहुत सारे अशखास मौजूद थे। तो अब वही मंजर जो है वो दोबारा दोहराया जा रहा है, और इसमें फिर एक हसबुल्ला है यानी अल्लाह का ग्रोह है जो अल्लाह की बालादस्ती का कवानीन की बालादस्ती चाहते हैं, जो इस्लाम के साथ मुखलिस हैं, और एक वो है जो चाहते हैं कि किसी सूरत इकतदार हमें मिल जाए। तो अबू सुफियान ने तो इस्लाम उस वक्त कबूल किया जिसका कोई चारा नहीं था, जब फतह मक्का हो गई तो उस वक्त उसने इस्लाम कबूल किया। 50 अल हिजरी में इमाम हसन जो थे वो खलीफा बने, उनकी खिलाफत का जमाना 6 माह का था। फिर मजबूरन उनको ये मायदा उसके साथ करना पड़ा अमीर माविया के साथ, और हम देखते हैं कि इस के 11 साल बाद जो है करबला का वाकया पेश आया। अब इसमें जो चीज एनालाइज करने वाली है, जिसके तजिया करने वाला है, वो ये है कि अगर जंग होती अमीर माविया के साथ तो हजरत इमाम हसन को लाजमन शिकस्त हो जाती, क्योंकि उनके साथी जो थे वो बिक चुके हुए थे, और सारे जो मोतबर शख्सियत थी वो मारी जाती इस जंग में। तो ये मकसद नहीं था। तो इमाम हसन ने ये जो मायदा किया ये ऐन दानिशमंद, बहुत दानिशमंदाना मायदा था, और इसको हम इसका मुकाबला कर सकते हैं उस मायदे के साथ जो रसूल पाक ने सुलह हुदैबिया के वक्त किया था 6 अल हिजरी में। यानी ये एक पॉलिटिकल विक्ट्री थी जो इमाम हसन ने हासिल की, और फिर जितने भी शिया थे इमाम हसन के वो अगर जंग होती तो ज्यादातर जो मुखलिस लोग थे वो मारे जाते। तो ये जो सारा कुछ था ये एक रेजिस्टेंस की फॉर्म में, एक मूवमेंट की फॉर्म में बच गया, और दो जगह पे इम्कान था कि 70 हिजरी में अगर इतने लोग जमा हो जाते जो इनका साथ देते अहले बैत का, तो शायद वापस आ जाती खिलाफत अहले बैत के पास। और एक और जो जग मुकाम था जिसके मतलब कहा जाता है, क्योंकि एक इमाम का फरमान है कि 140 हिजरी में भी इस चीज का इम्कान था कि ये पलट आती अहले बैत के पास, मगर ये सब कुछ मुनहसर था
उनके फॉलोअर्स के ऊपर, कितने उनके मुहिब थे जो उनका साथ दे सकते थे या खड़े रहते उनके साथ या उनका साथ जमे रहते। तो बहरहाल देखने की बात यह है कि ये एक तहरीक की फॉर्म में शियत जो है वो जिंदा रही, और इमाम आइमा तवाहिरीन के मानने वाले बैकग्राउंड में जरूर चले गए मगर शियत खत्म नहीं हुई। जबकि अगर जंग होती तो हो सकता था कि शियत जो है उसको ज्यादा कारी जर पहुंचती। तो आगे हमने देखना है कि इमाम हसन जो थे वो एक लश्कर 40,000 का उन्होंने तश्कील तो दे लिया था मगर उसमें से बहुत सारी डिजर्शंस हो गई, बहुत सारे छोड़ गए उनको, और इसकी एक वजह यह थी कि ये लोग जो थे जो इमाम हसन के लश्कर में थे ये जंगों से तंग आ चुके थे, खाना जंगी से। और अमीर माविया जो था उसने इस तरह का कुछ सिस्टम किया हुआ था कि क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि उसका मकसद तो इख्तदार हासिल करना था, और वो लोगों को नवाजता भी था, लोगों के साथ बड़ा सखावत वाला सलूक भी करता था, और साथ साथ अपने दुश्मनों के साथ जो था वो बड़ी सख्ती करता था। तो इस तरह उसने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ माइल कर लिया हुआ था, और लोग जो थे वो दीनदार होने के बजाय दुनियादार बन चुके हुए थे। अब जो प्रायोरिटी तरजीहात थी दोनों ग्रोहों की वो फर्क थी। एक ग्रोह जो था वो एब्सोल्यूट पावर चाहता था, मुकम्मल तौर पे इख्तदार पे कब्जा चाहता था। दूसरा जो था वो चाहता था कि खुदा की वहदानियत और खुदा के दीन का प्रचार हो। तो बज़ाहिर दोनों साइड जो थी वो मुसलमान थे मगर एक सेकुलर मुसलमान थे, यानी आधे मुसलमान आधे दुनियादार आधे दीनदार, और एक वो जो थे मुखलिस थे और दीन के साथ मुखलिस थे और खालिसतन अल्लाह की इबादत करना चाहते थे। तो अमीर शाम ने जुल्म के जरिए, रिश्वतों के जरिए और कैरेक्टर असैसिनेशन किरदार पेशी के जरिए हर तरह की मुखालिफ आवाज को दबा दिया, और ये और प्रोपेगेंडे के जरिए और जासूसों के जरिए और रिश्वत के जरिए उसने इख्तदार हासिल कर लिया। और इस तरह का उसका प्रोपेगेंडा था कि जब इमाम अली मस्जिद कूफा में उनकी शहादत हुई तो शामी जो थे वो हैरान थे कि अली नमाज भी पढ़ते थे। तो दुश्नाम और मौला अली के ऊपर मेंबरों से जुम्मे के वक्त जुम्मे के सरमंज में मौला अली के ऊपर उनकी किरदार कुशी की जाती थी, और ये किरदार कुशी जो थी ये तकरीबन 40 साल के अरसे तक फैली रही, और इसको उमर बिन अब्दुल अजीज ने बंद कराया। और उमर बिन अब्दुल अजीज जिनके दौरे हुकूमत जो था 2.5 साल का था, बहुत ही नेक और मुखलिस इंसान थे, और उनकी खिलाफत से खिलाफत राशिदा की जो है याद ताज़ा होती थी। और उमर बिन अब्दुल अजीज ने बागे फिदक भी अहले बैत को लुटा दिया था। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह।